अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें। निशा मोटर्स एक्सक्लूसिव डीलर्स फॉर कार एंड कमर्शियल व्हीकल्स, जहां आपको एसयूवी, सेडान, लग्जरी कार से लेकर ट्रक, टेम्पो, पिकअप तक सभी तरह के फोर व्हीलर्स मिलेंगे ऑन इजी फाइनेंस, इमीडिएट अप्रूवल, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यू कैन ऑल्सो एक्सचेंज योर ओल्ड कार विद अ ब्रांड न्यू व्हीकल ओनली एट निशा मोटर्स एट बालाजी दर्शन बिल्डिंग, शॉप नंबर 1, नेक्स्ट टू जैन मंदिर, अपोजिट टोरेंट पावर, अंजुर फाटा, भिवंडी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार सोशल मीडिया पर काफी चर्चा का विषय बने हुए। खिलाड़ी कुमार को उनके ही फैंस द्वारा ट्रोल किया जा रहा है, और ट्रोल क्यों ना हो, आखिर उन्होंने काम भी तो ऐसा किया है जिसके लिए उन्हें अपने फैंस से माफी भी मांगनी पड़ी। तो क्या है सारा मामला, देखते हैं विस्तार से। अक्षय कुमार हमारे देश के फिटनेस आइकॉन माने जाते हैं। अपनी 54 साल की इस उम्र में भी वो सेट पर काफी फिट नजर आते हैं और लोगों को फिटनेस मंत्रा बांटते फिरते हैं। लेकिन पिछले ही हफ्ते विमल के एक एड में अक्षय कुमार विमल पान मसाला का प्रमोशन करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद लोगों ने उनका 2018 वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर चलाना शुरू कर दिया, जहां अक्षय कुमार एक इवेंट के दौरान ये कहते नजर आ रहे हैं कि मुझे गुटखा कंपनी से बहुत सारे ऑफर आते हैं, मुंह मांगी रकम देते हैं, लेकिन मैं स्वस्थ भारत के लिए ये सारे ऑफर एक्सेप्ट नहीं करता। कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो, और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते हैं, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहां जुड़ा हुआ है, कहां गया, स्वस्थ भारत, तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। तो विमल के इस प्रमोशन के बाद लोगों को बस यही जानना है कि आखिर विमल पान मसाला वालों ने अक्षय कुमार को कितने पैसों का ऑफर किया होगा कि अक्षय कुमार उन्हें ना नहीं कर पाए। वैसे विमल के ब्रांड प्रमोशन में अजय देवगन और शाहरुख खान भी है, लेकिन उन्होंने कभी इससे पहले किसी देशभक्ति या हेल्थ कॉन्शियस या फिटनेस की बातें नहीं की थी, लेकिन अक्षय कुमार तो अपनी बातों में बुरे फंस गए। जिसके बाद अक्षय कुमार ने एक ट्वीट जारी किया है जिसमें उन्होंने सबसे पहले अपने फैंस से और वेल विशर से माफी मांगी है। साथ ही अक्षय कुमार ने अपने अपोलॉजी ट्वीट में कहा है कि वो विमल इलायची के लिए एंड्रोस कर रहे थे, खैर उन्होंने अपनी गलती मानी। साथ ही कहा है कि जितना भी पैसा इस एड प्रमोशन से आएगा वो मैं जरूरतमंदों को दे दूंगा, लेकिन जब तक एड का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है विमल वाले ये एड प्रमोशन चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये है सोशल मीडिया की ताकत, जो एक सुपरस्टार को भी अपनी गलती मानने पर मजबूर कर देती है, और सुपरस्टार्स को भी चाहिए कि ऐसे कोई काम ना करे जिससे उनके फैंस को ठेस पहुंचती है। लास्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कुछ सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, इट्स अ गेम, एपोलॉजी, ये माफी, सम गेम है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज से, थैंक यू।